नमस्कार बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। नवजात शिशु के लिए मां का दूध सबसे उत्तम आहार माना जाता है, इसलिए डॉक्टर्स मां बनने वाली महिला को कम से कम 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। मां के दूध में इतना पौष्टिक तत्व होता है कि ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही माँ के दूध को दुनिया का सबसे पौष्टिक खुराक माना जाता है, इसकी तुलना अमृत से की जाती है। यही वजह है कि इस दुनिया में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड बढ़ती जा रही है। वेट लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स बॉडी और मसल्स बनाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क खरीद कर पीने लगे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेट लिफ्टर्स मसल्स बनाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क खरीद कर पी रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि 1 कप ब्रेस्ट मिल्क में उन्हें पर्याप्त मात्रा में वो सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इसी कारण विदेशों में ब्रेस्ट मिल्क बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केट तेजी से उभर रहा है। ब्रेस्ट मिल्क के पौष्टिक तत्व USDA के माने तो 1 कप ब्रेस्ट मिल्क में 2.5 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फैट, 16 ग्राम कार्ब मौजूद होता है, जबकि 1 कप गाय या सोयाबीन दूध में 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा 1 कप ब्रेस्ट मिल्क में 85% पानी, 7% लैक्टोज, 3.8% फैट और 1% प्रोटीन मिलता है। इसी कारण वेट लिफ्टर्स गाय या सोयाबीन मिल्क से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क को तवज्जो दे रहे हैं। कई संस्कृतियों में आँखों के संक्रमण के इलाज के लिए लोग स्तन के दूध का उपयोग करते हैं और गले में खराश होने की स्थिति में ब्रेस्ट मिल्क के गरारे करने से भी लाभ होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।